देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में झंडा वंदन किया। ये पहला मौका है जब उज्जैन में किसी सीएम ने झंडा वंदन किया। बाबा महाकाल का तीन रंगों से श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। सीएम ने कहा, एमपी में हर साल रामायण मेला लगेगा, उज्जैन में व्यापार मेला लगाया जाएगा। प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखी। मध्य प्रदेश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनि चतुर्वेदी का स्टेच्यू है, साथ में एक फाइटर प्लेन का मॉडल है। झांकी में बर्तनों पर पेंटिंग करती महिला कलाकारों, चंदेरी के बादल महल द्वार और चंदेरी महेश्वर और बाघ प्रिंट साड़ियों के बुनकरों को भी दर्शाया गया है। आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनि का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। ग्वालियर छतरपुर जिलों में असर ज्यादा है। इन जिलों में सर्द हवाएं सीधे आती हैं। खंडवा खरगोन में भी लोग कांप रहे हैं। यहां कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में मौसम बदलने का अनुमान जताया है।